तो आज जो प्रेजेंटेशन में है उसमें जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर है हमारे निशांत राणा के बेटा। और ये जो हमें प्रेजेंट करने वाले हैं ये भी हमें कुछ टेस्ट के बारे में प्रैक्टिकल्स के अंदर जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनकी कुछ थ्योरी के बारे में हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम निशांत के पास, देखते हैं वो हमें हमारे क्या टेस्ट है, हमें किस टेस्ट के बारे में क्या एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। नाउ निशांत बेटा, यू कैन प्रोसीड विद योर प्रेजेंटेशन। ओके सर, हैव अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। टुडे आई विल टेल यू अबाउट सम इम्पोर्टेंट टेस्ट लाइक मैथ स्टिक टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट एक्सेट्रा। सो डोंट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स मूव फॉर अवर फर्स्ट टेस्ट इज मैथ स्टिक टेस्ट फॉर सल्फेट्स। मैथ स्टिक टेस्ट फॉर सल्फेट्स, देखिए हमें इस टेस्ट में सल्फेट लेना है लाइक ZnSO4, और उसे हमें रिएक्ट करवाना है सोडियम कार्बोनेट के साथ जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और इसको प्रेजेंस में करवाना है हीट की, जिससे कि हमें Na2SO4 मिलेगा, और आगे हम फिर इसे Na2SO4 को रिएक्ट कराना है कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ जिसे हम मैच स्टिक भी कहते हैं, और इसे रिएक्ट कराने के बाद हमें Na2S मिलेगा जिसे सोडियम सल्फाइड कहते हैं। सोडियम सल्फाइड को हमें फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्ट कराना है जिससे कि हमें फिर एक कंपाउंड मिलेगा जो कि पर्पल कलर का होगा, और जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसके अंदर सल्फेट के कुछ आयन प्रेजेंट थे जिससे कि इसका कलर पर्पल आया। तो इस टेस्ट यही यही पता करना था कि हमें कि इसमें सल्फेट आयन्स हैं या नहीं। तो जैसे कि इसमें पर्पल कलर आया तो इसे प्रूफ हो गया कि इसमें सल्फेट आयन्स प्रेजेंट थे। सो लेट्स मूव फॉर अवर सेकेंड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। इस टेस्ट में हमें क्लोराइड्स को हीट करना है लाइक NaCl ले लेते हैं, और प्रेजेंस में करना हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है हमें, जिससे कि हमें एज अ मेन प्रोडक्ट तो मिलेगा क्रोमाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। बाकी हमें साइड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, पर हमें क्रोमाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन प्रोसीड करनी है 4AnOH के प्रेजेंस में, जिससे कि फिर हमें मिलेगा Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट को हमें रिएक्ट करवाना है लेड एसिटेट के साथ जिससे कि हमें मिलेगा लेड क्रोमेट येलो पीपीटीज। देखिए पहले रिएक्शन में हमें मिला था येलो सॉल्यूशन, मिला था सोडियम क्रोमेट का, हमारे पास येलो पीपीटीज नहीं आए थे, तो हमने फिर इसीलिए लेड एसिटेट के साथ रिएक्ट किया कि जिससे कि हमें येलो प्रेसिपिटेट आए। तो इससे क्लोरीन की हमारे पास वो हुई कंफर्मेशन कि इस टेस्ट में क्लोरीन्स के लिए हम करते हैं टेस्ट। नाउ वी प्रोसीड फॉर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। इसमें सबसे पहले हमें कोबाल्ट नाइट्रेट को डिकम्पोज करना पड़ेगा कोबाल्ट ऑक्साइड में। कोबाल्ट ऑक्साइड में जब हम इसको कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, तो तब हमें फिर मेटल ऑक्साइड के साथ इन्हें रिएक्ट करवाना है, और तब ये हमें डबल सोल्ट्स देंगे, और उनके साथ डबल सोल्ट के साथ ये हमें अपना एक स्पेसिफिक कलर भी देंगे। जैसे कि कोबाल्ट ऑक्साइड को हमने करवाया जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये हमें ग्रीन कलर देगा, और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो ये हमें पिंक कलर देगा, और जब हम एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो ये हमें ब्लू कलर देगा। एनी प्रॉब्लम देयर इन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच बेटा निशांत, आपने अच्छी कोशिश की, बहुत बढ़िया किया आपने, डेफिनेटली ऐसे ही करते रहिए। ओके, और अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी और प्रेजेंटेशन के साथ। अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा निशांत, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया आपने।